सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के गणित विषय के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज। आप लोग लगातार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर, तो दोस्तों आज से हम लोग राजन और पवन सीरीज को पूरा पूरा सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, इन सभी प्रश्नों को आप ध्यान से देखिएगा। इसमें पहले दोस्तों मैं राजन सीरीज कराऊंगा, इसके बाद पवन सीरीज कराऊंगा। और इससे पहले दोस्तों मैंने आपके गणित के सभी यूनिट्स 12 यूनिट्स हैं, 12 यूनिट्स को मैंने पढ़ाया है, पहले पढ़ाया है फिर उस यूनिट पे आधारित प्रश्न कराए हैं। टोटल 24 लेक्चर हैं दोस्तों, 24 लेक्चर्स की मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है। उस प्लेलिस्ट पे आप क्लिक करेंगे लिंक पे तो आपको सब वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। पहले आपको उस यूनिट को मैंने समझाया है, पढ़ाया है, फिर उस पे आधारित प्रश्न कराए हैं। अब ये वीडियोस दोस्तों जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की हैं, ये भी उसी प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगी। तो जितनी भी वीडियोस बनती हैं, सभी वीडियोस में उसी प्लेलिस्ट में ऐड करता चला जाऊंगा। अब दोस्तों, राजन सीरीज के बहुविकल्पीय प्रश्नों में 91 प्रश्न हैं। इसके दोस्तों 4 पार्ट बनेंगे बहुविकल्पीय प्रश्नों को, और सभी को मैं गणित के प्लेलिस्ट में ऐड करता चला जाऊंगा। और प्लेलिस्ट का लिंक जो है दोस्तों, वह आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन में देखने को मिल जाएगा। अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, आयत चित्र में वर्ग अंतराल पर बने आयत का क्षेत्रफल समानुपाती होगा। अब दोस्तों यहाँ प्रश्न में कह रहा है कि आयत चित्र में, आयत चित्र दोस्तों सबको आपको पता है, आयत चित्र जो होता है वह इस प्रकार कुछ दिखता है। यह वर्ग अंतराल और बारंबारता पे बनता है। और यहाँ पे क्या कह रहा है, आयत चित्र में वर्ग अंतराल पर बने आयत का क्षेत्रफल, ये जो आयत बन रहा है दोस्तों, इसका क्षेत्रफल बोल रहा है समानुपाती होगा। किसके समानुपाती होगा ये पूछ रहा है, और यहाँ पे दिया हुआ है वर्ग अंतराल के, वर्ग चिन्ह के, वर्ग की बारंबारता के, वर्ग के संचयी बारंबारता के। दोस्तों समानुपाती का मतलब होता है समान अनुपात, जैसा कि आप समानुपाती, समान अनुपात, तो यही यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों। आयत का क्षेत्रफल किसके समानुपाती होता है, तो दोस्तों आयत का जो क्षेत्रफल होता है वह वर्ग के बारंबारता के समानुपाती होता है। यहाँ पे जो आयत बन रहा है, और इस आयत की जो यहाँ पे आपको ये जो ऊंचाई है, यह बारंबारता दिखाता है, इसी के वर्ग के बारंबारता के समानुपाती होता है इस आयत का क्षेत्रफल। अब देखिए प्रश्न संख्या 2 है, संचयी बारंबारता वक्र को यह भी कहते हैं, तोरण, आयत चित्र, बारंबारता बहुभुज, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों संचयी बारंबारता वक्र को हम लोग तोरण भी कहते हैं, तो ऑप्शन आ जो है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 3 है, वस्तुओं को एक दूसरे का पूरा पूरा ढकने के गुण को कहते हैं। तो दोस्तों वस्तुएं जब एक दूसरे को पूरा पूरा ढकती हैं, तो इस गुण को हम लोग सर्वांग समता कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन आ सही हो जाएगा। दो गुण आपने पढ़े होंगे जो लास्ट यूनिट है आपकी, उसमें एक गुण होता है सर्वांग समता का, एक गुण होता है दोस्तों समरूपता का। तो वस्तुएं अगर दोस्तों एक दूसरे को पूरा पूरा ढक रही हैं, तो उनका जो आकृति होगा और आकार होगा वह दोनों ही समान होगा, मतलब शेप और साइज दोनों ही समान होगा। तो अगर शेप और साइज, आकृति और आकार दोनों बराबर होते हैं किन्हीं चीजों के, तो उन्हें हम सर्वांगसम कहते हैं दोस्तों। तो इस गुण को हम लोग क्या कहेंगे, अगर दो चीजें एक दूसरे को पूरा पूरा ढक ले रही हैं, तो इनको हम कहेंगे सर्वांग समता। तो ऑप्शन आ यहाँ पे सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 4 है अगला, सर्वांग समता में होता है समान बनावट, समान आकार, समान क्षेत्रफल या दा, ये सभी। तो अभी दोस्तों मैंने आपको बताया सर्वांग समता में आकृति और आकार दोनों ही बराबर होता है, तो आप बनावट समझ ही गए होंगे कि आकृति को हम लोग बनावट कहते हैं, तो बनावट तो समान होता है, और आकार साइज भी मैंने आपको बताया कि बराबर होता है सर्वांग समता में। अब अगर आकृति और आकार बराबर है तो क्षेत्रफल भी बराबर होगा, इससे आप यह समझ सकते हैं। तो यहाँ पे सभी ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन दा जो हो जाएगा ये सभी, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है, सर्वांग समता में समान त्रिभुजों में होता है
समान संगत कोण, समान भुजाएं, समान क्षेत्रफल या ये सभी। अब दोस्तों दो त्रिभुज आप लोग बना लीजिए जो आपस में सर्वांग सम हो। तो अगर दो त्रिभुज दोस्तों आपस में सर्वांग सम है तो यह त्रिभुज दोनों एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लेंगे और कहीं कुछ कोई त्रिभुज बढ़ेगा नहीं। तो एक दूसरे के ऊपर दोस्तों पूरा एक दूसरे को ये ढक लेंगे। तो इससे दोस्तों आप यहाँ पे क्या समझ पा रहे होंगे कि सभी भुजाएं जो होंगी वह आपस में बराबर होंगी सर्वांग सम त्रिभुज की, और सभी कोण जो होंगे वह भी आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए होंगे, समान संगत कोण, समान भुजाएं, समान क्षेत्रफल, तो यह सभी होगा सर्वांग सम। अगर दो त्रिभुज आपस में है तो उनकी संगत, उनके संगत कोण भी बराबर होंगे, उनकी भुजाएं भी बराबर होंगी और उनके क्षेत्रफल तो बराबर होंगे ही। तो ऑप्शन द ये सभी सही हो जाएगा। अब प्रश्न क्या छह है, सर्वांग समता की शर्तें हैं यस ए एस। अब दोस्तों यस और ए दो चीजें आपको ऑप्शंस में दिख रही होंगी। तो यस का मतलब आपको साइड समझना है, मतलब की भुजा, और ए का मतलब दोस्तों आपको समझना है एंगल माने कोण। तो अब एस ए एस सर्वांग समता की शर्तें आपसे पूछ रहा है। तो एस ए एस मतलब कि भुजा कोण भुजा, और भुजा भुजा भुजा, और कोण कोण भुजा। तो दोस्तों सर्वांग समता की शर्तें जो यहाँ पे दी हुई हैं ऑप्शंस में, यह सभी शर्तें होती हैं सर्वांग समता की, यह सभी सही हैं। तो ऑप्शन द जो हो जाएगा वह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब प्रश्न के साथ है दोस्तों, समान कोणिक दो सरल रेखीय आकृतियां जिनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों कहलाती हैं। अब दोस्तों यहां पे प्रश्न आप ध्यान से समझिए, समान कोणिक दो सरल रेखीय आकृतियां, यहाँ पे बोल रहा है कि जो दो आकृतियां हैं सरल रेखीय आकृतियां हैं और इनके जो कोण हैं वह आपस में बराबर हैं और जिनकी संगत भुजाएं समानुपाती हैं, मतलब कि इनकी जो आकृतियां जो दी गई हैं दो जिनके आपस में कोण बराबर हैं उनकी जो भुजाएं हैं वह आपस में समानुपाती हैं। मतलब भुजाओं का अगर हम लोग अनुपात लेते हैं तो वह अनुपात आपस में बराबर है। तो ऐसी आकृतियों को दोस्तों हम लोग समरूप आकृतियां बोलते हैं। तो ऑप्शन सा सही हो जाएगा। ऐसे केस में दोस्तों जो आकार है वह अलग अलग हो सकता है लेकिन आकृति जो होगी वह समान होगी। तो जहां पे आकृति समान होती है और आकार अलग होता है वहां पे समरूपता होता है। तो इसीलिए ऑप्शन सा जो हो जाएगा वह बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न क्या आठ है, संख्याओं 10, 65, 91 का लघुत्तम समापवर्त्य है। तो इन संख्याओं का दोस्तों हम लोग लघुत्तम समापवर्त्य निकाल के देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आप सबसे पहले दोस्तों आपको संख्याओं को इस प्रकार लिख लेना है। अब हम लोग देखेंगे कि दो से कोई संख्या इनमें से कट रही है कि नहीं। तो दो से 10 कट रहा है तो दो हम लोग लिख लेंगे, दो से डिवाइड करेंगे तो 10 में डिवाइड करेंगे तो देखिए 5, और 65 नहीं जाएगा तो 65 को इसी तरह लिख लेंगे, और 91 भी नहीं जाएगा तो इसी तरह लिख लेंगे 91। अब देखेंगे 3 से नहीं जा रहा है, फिर 5 से जा रहा है तो 5 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो 5 से एक बार में 5 चला जाएगा, और 65 में ले जाएंगे तो 13 बार में जाएगा, और 91 में नहीं जाएगा तो 91 को इसी तरीके से लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे बचा 1, 13 और 91। अब देखेंगे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, किसी से भी ये दो संख्याएं नहीं कट रही हैं 13, 91, सीधे 13 से कट रहा है तो 13 लिख लेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा 1, और फिर 13 से भाग देंगे 13 तो 1, और 91 में 13 से भाग देंगे दोस्तों 13, 7, 91 होता है तो यहाँ आ जाएगा 7। अब देखिए केवल बचा है 7, तो सीधे 7 से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो 1, 1, 1। अब देखिए यहाँ पे तीनों जगह 1 हो गया। अब लासा जब हम लोग लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2×5×13×7। अब ये हो जाएगा, इसे आप गुणा कर लीजिए तो 2 का गुणा 5 में होगा तो 10×13×7, फिर 10 का गुणा 13 में होगा, फिर आप गुणा कर लीजिए दोस्तों तो ये हो जाएगा 13 का गुणा 7 में होगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 91, और 10 का गुणा फिर होगा
91 में, तो ये हो जाएगा 910। तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा वह सा बिल्कुल सही हो जाएगा, 910। अब देखिए प्रश्न संख्या 9 है, दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं होती हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि दो असमान परिमेय संख्याएं हैं। परिमेय संख्याएं दोस्तों आपको पता ही है, जिन संख्या को हम पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं वो परिमेय संख्याएं हो गई। अब किसी भी दो असमान परिमेय संख्याएं, मतलब कि ऐसी परिमेय संख्याएं जो आपस में समान ना हो, मतलब कि एक अगर एक परिमेय संख्या आप लिख रहे हैं तो दोबारा आपको एक नहीं लिखना है, एक से अलग आपको कुछ लिखना है, तो एक से अलग आप लिख दीजिए दो। तो एक और दो के बीच कितने परिमेय संख्याएं हो सकती हैं यह इसका पूछना है। तो दोस्तों एक से दो के बीच में आप बहुत सारी परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं, जैसे आप लिख लीजिए 3/2, 4/3। इसी प्रकार दोस्तों आप बहुत सारी परिमेय संख्याएं, अनंत परिमेय संख्याएं एक से दो के बीच में लिख सकते हैं। तो ऑप्शन दा जो है यह बिल्कुल सही हो जाएगा, दो असामान्य परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 10 है, ब्रैकेट में 3 × 2 × 7 का मान होगा। तो अब यहां दोस्तों ब्रैकेट जब खुलेगा तो 7 का गुणा जो दो पद अंदर हैं ब्रैकेट के इन दोनों में होगा, तो ये हो जाएगा 3 × 7 × 2 × 7। तो यहाँ ऑप्शन बा जो है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 11 है, ब्रैकेट में x-7 और x-9 का गुणनफल है। तो आप गुणा करके हम लोग देख लेते हैं, x-7 और इंटू x-9 का गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप x-7 इंटू x-9। अब दोस्तों यहाँ पे आप गुणा कर रहे हैं तो सबसे पहले आसानी के लिए आप इस प्रकार लिख सकते हैं, x आप लिखिए, पहले x का गुणा इस पूरे पद में होगा, तो x ब्रैकेट में x-9 और यहाँ पे देखिए माइनस का चिन्ह है, तो ये माइनस का चिन्ह यहाँ आपको लगा देना है, फिर 7 है तो 7 लिख लेना है और इस 7 का भी गुणा इस पूरे पद में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको x-9 लिख लेना है। अब आप गुणा कर लीजिए आसानी से, तो x अंदर जाएगा, गुणा होगा दोनों पद में, तो ये हो जाएगा x² और फिर x का गुणा होगा तो -9x। अब देखिए यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो -7 का गुणा होगा अंदर x में प्लस x में, तो हो जाएगा -7x और फिर -7 का गुणा होगा -9 में, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 7 × 9 = 63 होता है दोस्तों, तो 63 आपको यहाँ पे लिख लेना है। अब देखिए x² और -9x और -7x आपस में जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा -16x प्लस 63, तो ये आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों, x² -16x प्लस 63। तो यहाँ पे देख लीजिए आप ऑप्शन में, अब यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि आपका उत्तर जो है सॉल्व करने के बाद x² -16x प्लस 63 आ रहा है, और यहाँ ऑप्शन में दोस्तों कहीं पर भी ये उत्तर नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे इन्होंने गलत सॉल्व किया है दोस्तों। तो यहाँ पे कोई भी जो उत्तर है वह सही नहीं दिया है यहाँ पे। अगर यही होता x² -16x प्लस 63 तो ये ऑप्शन सही होता, अगर ये किसी में दिया होता तो ये बिल्कुल सही होता। अब देखिए प्रश्न संख्या 12 है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर है, यदि त्रिभुज की ऊंचाई 8 सेमी है तो त्रिभुज का आधार होगा। अब दोस्तों यहाँ पे एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 48 वर्ग सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई आपको बता दिया गया है कि 8 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का आधार आपसे पूछ रहा है। अब दोस्तों आपको पता होता है कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है 1/2 आधार गुणे लंब। तो यहाँ पे आपको एरिया दिया हुआ है, एरिया कितना है 48, तो यहाँ पे आप एक की जगह 48 लिख लीजिए और गुणे 1/2, और आपको यहाँ पे प्रश्न में क्या दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है, आधार पूछ रहा है, तो आधार की जगह ऐसे आधार ही रहने दीजिए, गुणे ऊंचाई लंब आपको दिया हुआ है 8, तो आप इसकी जगह 8 लिख लीजिए। अब देखिए 2 से 8 कट जाएगा तो यहाँ 4 रह जाएगा, और फिर आधार बराबर आप लिख सकते हैं 48
और ये चार यहाँ गुणे में है, बराबर के उधर आप भेजेंगे तो बटे में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 48 बटे 4, और 4 से काटेंगे तो ये कट जाएगा दोस्तों 1 और 2, यानी कि आधार बराबर आपको क्या मिल जाएगा 12। आधार की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन आ जो है वह बिल्कुल सही है। अब देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 13। परिमेय संख्या -4/9 से छोटी परिमेय संख्या है। अब यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आप देखिए जो परिमेय संख्या दी गई है आपको वह ऋणात्मक परिमेय संख्या है, यह आपको ध्यान में रख लेना है। तो ऋणात्मक परिमेय संख्या से छोटी परिमेय संख्या पूछ रहा है यहाँ पे दोस्तों। अब यहाँ पे ऑप्शंस में आप देखिए दोस्तों, सभी संख्याओं के बटे 9 दिया गया है और 2 संख्याएं जो हैं धनात्मक हैं और 2 संख्याएं ऋणात्मक हैं। तो जो धनात्मक संख्याएं होंगी दोस्तों वह तो किसी भी ऋणात्मक संख्या से बड़ी होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन बा और सा जो है वह दी गई संख्या से बड़ी है, तो यहाँ पे हमें खोजना है छोटी परिमेय संख्या। तो यह दोनों ऑप्शन तो गलत हो गया। अब आपको देखना है ऑप्शन आ और दा में। ऑप्शन आ में दिया गया है -1/9 और ऑप्शन दा में दिया गया है -7/9। अब दोस्तों यहाँ पे अंश जो है वह दा का बड़ा है, तो आपको यह संख्या बड़ी लग सकती है और यह संख्या छोटी लग सकती है। लेकिन ऋणात्मक, जब किसी भी संख्या के आगे ऋण लगा होता है तो उस संख्या का जो मैग्नीट्यूड होता है वह जितना बड़ा होता है वह संख्या उतनी ही छोटी होती है। किसी भी बड़ी संख्या के सामने अगर हम लोग ऋण लगा देते हैं तो वह छोटी संख्या हो जाती है। तो अगर ये संख्याएं धनात्मक होती दोस्तों तब छोटी परिमेय संख्या पूछता, तब तो छोटी यही होता आ ऑप्शन। लेकिन अब यहाँ पे सभी संख्याओं के सामने देखिए ऋण है, तो छोटी कौन सी संख्या होगी? छोटी वह संख्या होगी जिसका मान जो है वह बड़ा होगा। तो यहाँ पे जो मान बड़ा है, जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा है, वह ऑप्शन दा है। तो ऑप्शन दा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऋण के केस में दोस्तों सब कुछ उल्टा हो जाता है। अब देखिए प्रश्न संख्या 14 है, 16, 32 और 64 का लासा है। तो अभी दोस्तों हमने लासा निकाल के दिखाया था किस प्रकार आपको लासा निकालना है, उसी प्रकार आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको 16, 32 और 64 का जो लासा मिल जाएगा वह 64 मिल जाएगा। तो ऑप्शन आ यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद है दोस्तों प्रश्न संख्या 15, समीकरण 1.5y - 7 = 0.5y का हल है। तो इसको दोस्तों हल कर लीजिए आप, यही दोस्तों आपको दिया गया है। तो अब देखिए बराबर के इधर से 0.5y को हम लोग इधर ले आते हैं, तो इधर जब आएगा दोस्तों तो यह ऋणात्मक हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -0.5y = 0। अब देखिए 1.5y धन में है और यहाँ पे ऋण में 0.5y है, तो 1.5 में से आधा घटेगा तो कितना हो जाएगा 1 बचेगा, तो 1y बच जाएगा दोस्तों और -7 = 0 हो जाएगा। और 1y को y ही लिख सकते हैं और इस -7 को 0 के उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा +7, यानी कि y का जो मान आ जाएगा वह 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बा जो है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 16 है, y ((x + z) - x - y) + (x, y - z) का हल है। तो इसको दोस्तों हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, यही दिया गया है दोस्तों, इसी को हल करना है। तो इसको हल करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सभी ब्रैकेट्स को खोल लेना है। तो देखिए यहाँ पे ब्रैकेट को खोलेंगे तो y का गुणा दोनों पदों में होगा, तो y का गुणा जब z में होगा तो ये हो जाएगा yz, फिर y का गुणा -x में होगा तो ये हो जाएगा -xy, फिर प्लस z का गुणा जब होगा दोस्तों तो ये हो जाएगा zx, या इसे हम लोग लिख सकते हैं xz, फिर -z का गुणा y में होगा तो ये हो जाएगा yz, फिर प्लस xy, x का गुणा y में, फिर x का गुणा z में, तो ये हो जाएगा -xz। अब दोस्तों आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे प्लस yz है और यहाँ पे -yz है, तो ये है आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब इसी प्रकार यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे -xy है और यहाँ पे +xy है, तो यह आपस में दोनों शून्य हो जाएंगे
और यहाँ पे प्लस एक्स जेड है और यहाँ पे माइनस एक्स जेड है, तो इस पूरे का मान जो होगा दोस्तों वह शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन द जो दिया गया है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 17 है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर और आधार 15 सेंटीमीटर है, त्रिभुज की संगत ऊंचाई होगी। अब दोस्तों ऐसा ही प्रश्न हमने किया है तो हम लोग सीधे देख लेते हैं, क्षेत्रफल दिया गया है वह 45 और आधार जो दिया गया है वह 15 दिया गया है, तो इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए एरिया लिख देंगे 45 और 1/2 आधार गुणे लंब होता है, तो आधार हमें कितना दिया गया है, आधार यहाँ पे हमें 15 दिया गया है, तो 15 गुणे लंब हो जाएगा। अब यहाँ ये 2/2 में है, इधर भेजेंगे बराबर की तो गुणे में हो जाएगा, तो 45 × 2 और इस 15 को यहाँ पे गुणे में इस तरफ और इधर भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा, तो लंब बराबर जो हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा 45 × 2/15 और 15 से 45 को काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा और लंब बराबर जो हो जाएगा 2 × 3 यानी कि 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सा जो है दोस्तों वह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 18 है, पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव होता है। योग का तत्समक अवयव का मतलब होता है दोस्तों वह कौन सी संख्या है जो किसी पूर्ण संख्या में अगर हम लोग जोड़ दें तो पूर्ण संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं हो। आपको पता है कि शून्य को अगर हम लोग किसी भी संख्या में जोड़ते हैं तो उस संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो शून्य जो होता है वह एडिटिव आइडेंटिटी यानी कि योग का तत्समक अवयव होता है, तो ऑप्शन आ जो होगा वह यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 19 है, 56, 70 और 84 का लघुत्तम समापवर्त आपको निकालना है, तो 56, 70 और 84 को लिख करके आप 2 से 3 से इस प्रकार डिवाइड करना शुरू करिए और जो भी आए आपस में गुणा करके आप लघुत्तम समापवर्त निकाल लीजिए जिस प्रकार हम लोग निकालते हैं। अब लघुत्तम समापवर्त तो आप ज्ञात ही कर सकते हैं, तो आप लोग मुझे 56, 70 और 84 का लघुत्तम समापवर्त निकाल के बताइएगा कितना आएगा। आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कितना आ रहा है लघुत्तम समापवर्त। अब देखिए प्रश्न संख्या 20 है, समीकरण 2.8x = 5.4 धन x का हल है, तो दोस्तों आप देखिए यहाँ पे x को हम लोग इधर ले जाएंगे तो यहाँ पे x जाएगा ऋणात्मक हो जाएगा, तो यहाँ पे 2.8x में से 1x घट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 1.8x और 1.8x बराबर हो जाएगा 5.4 और x बराबर अगर हम लोग लिखें तो 5.4/1.8। अब ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 54/18 और 18 + 54 होता है तो 3 बार में कट जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा 3, तो यहाँ पे ऑप्शन सा जो होगा वह बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है दोस्तों, यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 वर्ग सेंटीमीटर हो तो उस त्रिभुज का परिमाप होगा। समबाहु त्रिभुज आप लोग को पता होगा दोस्तों ऐसे त्रिभुज को कहते हैं जिसकी तीनों भुजाएं जो हैं वह आपस में बराबर होती हैं, मतलब कि एक भुजा अगर 4 सेंटीमीटर है तो बाकी 2 भुजाएं भी 4-4 सेंटीमीटर की होंगी। अब समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो होता है दोस्तों फॉर्मूला होता है, किसी भी समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों वह होता है कर्णी में 3/4 और भुजा का वर्ग। तो इसी पे दोस्तों हम लोग इसी फॉर्मूले पे सॉल्व करेंगे इसको। देखिए त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है वह दिया गया है यहाँ पे 400√3, तो 400√3 यह दिया गया है क्षेत्रफल, तो इसे हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे और कर्णी में 3/4 × भुजा का वर्ग यह हो गया हमारा क्षेत्रफल। तो अब देखिए हम लोग कर्णी में 3/4 को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा भुजा का वर्ग बराबर हो जाएगा 400√3 × 4 और ये जो होगा √3/2 चला जाएगा, तो √3 √3 आपस में कैंसिल हो जाएगा और भुजा का वर्ग बराबर हो जाएगा दोस्तों 400 × 4 यानी कि 1600 और भुजा बराबर अगर हम लिखेंगे तो भुजा बराबर हो जाएगा कर्णी में
1600, तो करणी में 1600 निकालेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे तो भुजा बराबर जो आ जाएगा वह 40 आ जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों भुजा का मान जो हमें मिल जाएगा 40 मिल जाएगा। और यहाँ पे क्या पूछ रहा है, त्रिभुज का परिमाप पूछ रहा है। तो परिमाप मतलब दोस्तों त्रिभुज का अगर हम लोग निकालते हैं तो तीनों भुजाओं को हमें जोड़ना होता है। तो अगर मान लेते हैं एक भुजा ए है समबाहु त्रिभुज की, तो बाकी भी ए होंगी, तो यानी कि 3a बराबर हो जाएगा त्रिभुज का परिमाप। तो एक भुजा जो है वह कितनी है, 40 है, तो 3 × 40 यानी कि 120, तो 120 सेंटीमीटर हो जाएगा दोस्तों त्रिभुज का परिमाप। तो ऑप्शन बा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 22 है, x² + 2xy + 9y² और x² + 2xy - xy² का योगफल होगा। तो यहाँ पे दो बीजीय व्यंजक हमें दिए गए हैं और इनका योग यहाँ पे पूछ रहा है, यह पूछे हुए प्रश्न है दोस्तों, तो सभी को आपको ध्यान से ही सॉल्व करना है। तो देखिए इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो देखिए x² में जुड़ेगा तो 2x² हो जाएगा, और यहाँ पे -2xy है, यहाँ पे +2xy है, तो यह आपस में शून्य हो जाएंगे। और यहाँ पे +9y² है और यहाँ पे -8y² है, तो यहाँ पे बच जाएगा y² केवल, 1y², तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 2x² + y², यह उत्तर हो जाएगा हमारा। तो ऑप्शन बा में सही दिया गया है, 2x² + y². अब देखिए प्रश्न संख्या 23 है, इनमें से कौन सी अभाज्य संख्या है। तो ऑप्शंस में पूछ रहा है कौन सी संख्या ऐसी है जो अभाज्य है, मतलब कि जिसका कोई भाजक नहीं है। तो 9 का देखिए, 9 का भाजक 3 होता है, 3 से संख्या कट जाती है। अब देखिए 18, 18 भी 3 से, 6 से, 9 से कट जाता है, और 6 भी 3 से कट जाता है, और 11 ऐसी संख्या है दोस्तों जो केवल खुद से और एक से कटती है। तो ऐसी संख्याएं जो केवल खुद से और एक से कटती है उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ऑप्शन द जो होगा 11 वह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 24 है दोस्तों, इनमें से कौन सी संख्या भाज्य संख्या है। तो देखिए 6, 23, 7 और 31 में पूछ रहा है, तो 6 केवल ऐसी संख्या है जो भाज्य है, बाकी 23, 7 और 31 यह सभी अभाज्य संख्याएं हैं। अब दोस्तों फर्स्ट पार्ट के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, आगे के प्रश्न दोस्तों हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे। और अगले पार्ट को भी दोस्तों मैं गणित के प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा, और गणित के प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर आई बटन में दे दूंगा। तो गणित के जो पहले क्लासेस हुई हैं और यह जो सीरीज की क्लासेस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लासेस हैं, यह सभी वीडियोस आपको गणित के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी देखने को। बाकी दोस्तों इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक दोस्तों सभी ग्रुपों में आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और जो मैंने आपसे आंसर पूछा है उसे कमेंट करना आप मत भूलिएगा। और दोस्तों अगर आपको क्लासेस की नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रही है तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए या हमसे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, जिससे आपको सभी क्लासेस मिल पाए, क्योंकि समय कम है, हम लोग एक दिन में बहुत सारी क्लासेस अपलोड करते हैं और सभी का नोटिफिकेशन आपको मिल नहीं पाता है। तो आप टेलीग्राम पे जाइए, वहां पे टारगेट यूपीटेट सीटेट सर्च करिए, वहां पर हमारा चैनल है, वहां पर आपको सभी वीडियोस आप ज्वाइन हो जाएंगे तो सभी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। बाकी और भी अपडेट्स आपको टाइम टाइम पे मिलते रहेंगे वहां पे। बाकी दोस्तों अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जय हिंद।